Hello people and welcome to Shifting Gears. It's been 25 years of brand Hyundai here in India and now they have brought in the Alcazar premium SUV. काफी लोगों को ये लगता है that the Hyundai Alcazar is just an extended and a bigger version of the Creta, which might be true to some extent, but this still is much more than just a bigger Creta. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the exterior design highlights of this particular car and how different is it in comparison to the Creta. सबसे पहले तो अगर प्राइसिंग की बात करें, इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है फ्रॉम रुपीज 16,30,000 रुपीज और जाती है ऑल द वे अप टू 20 लाख रुपीज एक्स शोरूम ऑफ कोर्स। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज सो डिफरेंट इन दिस Alcazar एंड इफ यू शुड स्पेंड योर मनी एंड ब्रिंग दिस कार होम फॉर योर फैमिली कार रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। Hyundai Creta के मुकाबले ये Alcazar SUV 200 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी है, 40 मिलीमीटर से इस गाड़ी की हाइट बढ़ चुकी है, व्हील बेस सेक्शन में ये गाड़ी 150 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है, इस गाड़ी का अनलैडन ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 10 मिलीमीटर से बढ़ाया गया है और आपको इस गाड़ी के साथ 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। Hyundai Creta के साथ आपको सिर्फ 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लेते हो, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कैस्केडिंग डार्क क्रोम ग्रिल दिया गया है। ये काफी प्रीमियम नजर आता है और ये काफी अलग भी है Hyundai Creta के मुकाबले। आप हेडलैम्प क्लस्टर में देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको एक क्रोम स्टड नजर आता है जो Hyundai Creta के मुकाबले थोड़ा अलग है। इसी के साथ साथ नीचे आपको जो स्किड प्लेट दी गई है इसकी डिजाइन भी अलग है और पूरी तरीके से Hyundai कंपनी ने इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो है इसे रीडिजाइन रीप्रोफाइल किया है। इस गाड़ी में भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं और इस गाड़ी में आपको एलईडी फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं और फॉग लैम्प्स के ऊपर आपको इस गाड़ी का टर्न इंडिकेटर नजर आएगा। फॉग लैम्प के पास में आपको क्रोम एक्सेंट्स दिखाई देते हैं और इसके वजह से ये गाड़ी सामने से काफी प्रीमियम नजर आती है। ओवरऑल गाड़ी को जब आप सामने से देख लेते हो, थोड़ी बहुत Creta की झलक आपको यहाँ पे जरूर नजर आएगी, लेकिन फिर भी ये Alcazar दिखने में काफी प्रीमियम, काफी बोल्ड और काफी मैस्कुलिन टिपिकल एसयूवी डिजाइन आपके लिए मार्केट में लेके आ रही है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो इस गाड़ी में अभी आपको एक नया रूफ लाइन मिल रहा है। आप देख सकते हो कि इसका रूफ ज्यादा सीधा है, इट इज अ मोर स्ट्रेटर रूफ लाइन, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 3 रो सीटिंग मिल जाती है। इसी के साथ साथ रूफ की सरफेस डिजाइन जो है वो भी अभी बदली गई है। इस गाड़ी में आपको पीछे का फेंडर जो है वो काफी अलग नजर आएगा क्योंकि ये अभी बड़ा है, क्योंकि इस गाड़ी का रियर ओवरहैंग अभी बदला गया है क्योंकि ये एक 3 रो एसयूवी बन चुकी है। ABC पिलर जो हैं वहाँ पे भी आप ब्लैकआउट देख सकते हो, जिसके वजह से इस गाड़ी को एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिल जाता है। आज हमारे साथ इस वीडियो में इस गाड़ी का सिंगल टोन पेंट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है और आपको रूफ सेक्शन पे सिल्वर रूफ रेल्स भी नज़र आएंगे और रूफ पे आपको एक बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर बदलाव की बात करें तो इस गाड़ी के साथ आपको जो फ्रंट डोर की हाइट है वो ज़्यादा मिलने वाली है, पीछे का डोर जो है उसकी डिजाइन अभी बदली गई है और जो 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं ये भी काफी अच्छे नजर आते हैं, काफी प्रीमियम नजर आते हैं एंड दे फिल अप द व्हील वेल एरिया क्वाइट नाइसली। तो ऐसा नहीं लगता है कि बड़े गाड़ी को छोटे व्हील्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में जो आपको साइड स्टेप दिया गया है ये भी काफ़ी यूजफुल है। जब आपको गाड़ी के अंदर जाना है या गाड़ी में से उतरना है, बूढ़े बुजुर्गों को आपके फैमिली में ये फीचर काफ़ी पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक इट दैट मच मोर कन्वीनियंट फॉर देम टू गेट इन एंड आउट ऑफ दिस ऑल न्यू Alcazar SUV। अगर आप डोर हैंडल्स देख लोगे तो डोर हैंडल्स पे भी आपको डार्क क्रोम थीम दिखाई देगी। आपको ड्राइवर डोर पे एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है क्योंकि इस गाड़ी के साथ आपको ट्रू कीलेस एंट्री मिल जाती है। साइड प्रोफाइल पे अगर फाइनर डिटेल्स की बात करें तो आपको फ्रंट फेंडर पे ऑटोमेटिक वेरिएंट की ब्रांडिंग नजर आएगी, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको रेयर व्यू मिरर पे और रेयर व्यू मिरर पे आपको ब्लाइंड स्पॉट कैमरा भी दिखाई देगा एंड दिस इज वेरी यूजफुल जब आप ये गाड़ी शहरों में चला लेते हो या अगर आपको हाईवे पे एक फास्ट पेस्ड लेन चेंज करना है। एक और चीज़ जो आपने नोटिस करनी चाहिए, रेयर व्हील पे आप देख लीजिए आपको डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं क्योंकि इस गाड़ी के साथ आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। ओवरऑल साइड प्रोफाइल पे देख लीजिए जो कट्स एंड क्रीज लाइंस आपको मिल रहे हैं उसके वजह से ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है एंड डेफिनेटली इट डज लुक लाइक अ मच बिगर कार इन कंपेरिजन टू द Creta। रेयर प्रोफाइल की अगर बात करें तो इस गाड़ी का टेलगेट डिजाइन जो है पूरी तरीके से बदला गया है। आपको Hyundai का लोगो नजर आता है इन द सेंटर एंड बिलो दैट यू कैन नोटिस यू हैव द Alcazar ब्रांडिंग ऑन अ डार्क क्रोम स्ट्रिप which looks very nice and it integrates seamlessly with the tail lamp cluster। इस गाड़ी के साथ आपको full LED tail lamps दिए गए हैं। Hyundai का कहना है कि यहाँ पे आपको honeycomb डिजाइन दिखाई देगी And then you can notice that on the tailgate, you also get the variant branding. ये इस गाड़ी का top signature trim है. And then on the left hand side, you can also notice the engine branding because today we are driving the 2-liter petrol variant of this all new Alcazar. Lower down bumper पे आप देख सकते हो rear skid plate जो है वो अलग है क्रेटा के मुकाबले. पीछे का बम्पर पूरी तरीके से बदला गया है. पीछे के बम्पर पे जो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं इसे भी पूरी तरीके से बदला गया है. And then up top, you will notice that you also get a new redesigned rear spoiler, which adds a little sporty touch to the overall design of this car. And adding a final sporty touch to the rear end design, you can also notice you get twin exhaust tips on this Alcazar SUV. इंडियन मार्केट में लोगों को सनरूफ काफी पसंद है. Hyundai Creta के भी जितने वेरिएंट्स बेचे जा रहे हैं, most of them are top trims. So the Hyundai Alcazar is also getting this dual pane panoramic sunroof, which adds a lot of drama, especially when you are inside and when you are driving this car around at night and also during rains. अब Hyundai की ये Alcazar काफी बड़ी है compared to the Creta, तो आप देख सकते हो on the front bumper also you get parking sensors, and to make your life that much easier you also get a camera on the grille section because this car comes with 360-degree view when you are driving this car in and around city traffic. And of course, because this is an SUV, you can notice that this Hyundai Alcazar gets body cladding all around the car. So you can notice it on the bumpers, you can notice it on the wheel arches, and it just continues all around the lower end of this SUV so that you will not chip the paint of this car if at all you are adventurous and if you venture out to go that little bit of off-roading with this two-wheel drive SUV. So guys, कैसी लगी आपको ये Hyundai Alcazar? ये आप हमें comments में जरूर बताइएगा. Did you like the design of this car in comparison to the Creta? Will you buy this car over the Creta? Because the Creta is a common sight here on the Indian streets, and this is a much bigger option if you want to drive around with your friends and family. हमने इस गाड़ी के लिए अलग से ड्राइव वीडियो अपलोड कर रखा है. There is a separate video for the interiors of this car, and we have a separate video for the backseat experience as well. So do subscribe to the Shifting Gears channel, press the bell icon so that you get to know everything about this all new Alcazar which has arrived in your nearest Hyundai showrooms. Goodbye, always wear your seatbelts and always guys, drive safe.